गाइस दिस इज अनबॉक्सिंग टाइम। मेरा नाम है कैफ, आप देख रहे हैं नॉइज़ टेक। आज अनबॉक्स की जाए ये फायरबोल्ट की निंजा 2। भाई अनबॉक्सिंग नाइफ नहीं मिल रही है, इस बार नेल कटर से काम चलाएंगे, अगली वीडियो में अनबॉक्सिंग नाइफ यूज कर लेंगे। ऊपर आपको फायरबोल्ट का ब्रांडिंग, निंजा 2 दिखेगा, विराट कोहली भैया दिखेंगे, कुछ की हाइलाइट्स है पीछे और की हाइलाइट्स, साइड में और कुछ की हाइलाइट्स, ये साइड भी की हाइलाइट। डब्बा, सबसे पहले वॉच, ओके। ओ गार्ड के ऊपर गार्ड है, ऊपर ऑलरेडी एक गार्ड लगा हुआ है, निकाल देते हैं। वॉच के ऊपर भाई पहले से गार्ड दिया है, ये बात काफी अच्छी है, बजट वॉचेस में ये नहीं मिलता है हमें। पीछे भी स्टिकर है, हटा दिया। मैनुअल, वारंटी कार्ड, बोल्ट प्ले ऐप का सब्सक्रिप्शन कार्ड, ये वारंटी कार्ड है, तो ये क्या था? बड़ा कंफ्यूजन है। ये वारंटी कार्ड है, ये इंस्टाग्राम का कोई ऐसी नॉर्मल वाला कार्ड दे दिया है, एक्स्ट्रा कार्ड है, पहले की फायरबोल्ट वॉचेस में नहीं मिलता था हमें। ये गाना का सब्सक्रिप्शन कार्ड, Z5 का सब्सक्रिप्शन कार्ड और ये आपका चार्जर, यही सब मिलता है आपको बॉक्स के अंदर। अब आते हैं इसको यूज करने के बाद। हे सीरी, डाउनलोड डाफिट फ्रॉम द ऐप स्टोर। भाई ये वॉच को मैंने अब कम से कम 3 दिन यूज कर लिया है। सबसे पहले डिजाइन में मुझे वॉच थोड़ी सी छोटी लगी, मुझे ऐसा लगा फायरबोल्ट ने यहाँ पे 1.3 इंचेस का डिस्प्ले देने की जगह 1.7 दे दिया रहता था, 300-400 रुपए ज्यादा दे दिए रहते थे। बट अगर आपका 1500-1600 वाला ही बजट है, देन यस आपके पास एक ऑप्शन है। डिस्प्ले थोड़ा सा यस छोटा है, रेस 2 भी थोड़ा सा स्लो लगा। डिस्प्ले TFT क्वालिटी का है, 240x240 का रेजोल्यूशन है। फॉर द प्राइस 1500-1600 मुझे ऐसे नहीं लगता कि ये डिस्प्ले खराब है, बट कॉम्पिटिशन बढ़ गया। कंपटीशन आपको 2000 में 1.7 इंचेस देता है, जिसके कारण मुझे ऐसा लगा उस डिपार्टमेंट में वॉच थोड़ा सा लैक कर गई है। वॉच थोड़ी सी छोटा डिजाइन है, स्ट्रैप का क्वालिटी डिसेंट है, ये बटन डिस्प्ले वेक एंड स्लीप का काम कर लेता है, एंड IP68 का रेटिंग मिल जाता है, स्विमिंग पे लेके जा सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के। ये वॉच का डिस्प्ले की एक खासियत है, ये जो रेड कलर ना भाई, ये बहुत सही दिखता है, उतना ही अच्छा नॉइज टेक का रेड कलर दिखता है सब्सक्राइब बटन का। भाई सब्सक्राइब करो और हमें 1 लाख पहुंचने में हेल्प करो। फायरबोल्ट ने यहाँ पे कोई डेडिकेटेड रेड लाइट सेंसर नहीं दिया है, बट SPO2 का फीचर दिया है, इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट है उसके ऊपर। भाई ये वॉच आपको टेबल पे रीडिंग दे देती है, यहाँ पे आप देखोगे टेबल पे मैंने रखा इसे, एंड कुछ देर में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रीडिंग्स देखने मिल जाएगी 96%। भाई ये वॉच आपको 96% टेबल का SPO2 बता देती है, इसीलिए सबसे पहली बात प्राइस ब्रैकेट, जिसके कारण यहाँ पे ये सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज मिल जाता है। अब थोड़ा सा हवा में चेक कर लिया जाए, जैसे हमने इसे हवा में चालू किया यहाँ पे वार्निंग आ जाएगा कि वॉच को वेयर करो, तो यस यहाँ पे ये हवा में तो नहीं चलती है बट टेबल पे चलती है, एंड SPO2 का सेंसर नकली है। भाई अभी हमने ये 30,000 का टेबल खरीदा है, एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है ये मेरे टेबल की भी हार्ट रेट बता देगी, शायद यस हमने एक जिंदा टेबल खरीदा है भाई। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे हवा में हार्ट रेट, तो मुझे ऐसा लगता है हवा में नहीं लगी। यस चलो फायरबोल्ट ने इतना तो भी अच्छा काम किया है, तो भाई मुझे ऐसे लगता है आप इस वॉच के SPO2 एंड हार्ट रेट पे बिल्कुल भी रिलाय नहीं कर सकते हो। भाई ये 30,000 के टेबल में ब्लड ऑक्सीजन एंड हार्ट रेट दोनों है। हवा जा रही है। वॉच का UI काफी स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, काफी अच्छे से काम कर लेती है। जब हम मेन स्क्रीन से ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको छोटा सा कंट्रोल पैनल मिलता है, जहाँ से ब्राइटनेस कंट्रोल सेटिंग ये सारी चीजें दिख जाती है। राइट की तरफ गए तो पहले स्टेप्स का डेटा, देन स्लीप डेटा, हार्ट रेट डेटा, स्पोर्ट्स डेटा, वेदर डेटा, कैमरा डेटा सब दिख जाएगा, यानी ऐसे यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल भी हो जाता है। स्पोर्ट्स मोड्स की बात करें तो भाई यहाँ पे फायरबोल्ट ने 30 स्पोर्ट्स मोड दिए, बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड है, कोई चीज की कमी नहीं है, ये काफी सही चीज है इसमें। यहाँ पे होम स्क्रीन से लेफ्ट किया तो यहाँ पे टाइमलाइन दिख जाएगा, एंड ये सारे आपके रिसेंट वाले ऐप्स जो आपने यूज किए होंगे। नीचे से ऊपर गए तो आपका मेन्यू खुल जाता है, और मेन्यू का स्क्रोलिंग भी काफी स्मूथ है, कोई इशू नहीं हुआ मुझे। यहाँ पे आप देखोगे काउंटडाउन, कैमरा कंट्रोल, वेदर कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, नोटिफिकेशंस, ब्रीद मोड, ये सारी चीजें मिल जाएगी। सेटिंग्स के अंदर जाओगे, स्टॉपवॉच, अलार्म, काउंटडाउन, ब्राइटनेस, वाइब्रेशन, ये सारी सेटिंग्स को आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो। छोटा सा गेम भी मिल जाते हैं 2, जो आप यहाँ पे इस वॉच के ऊपर खेल सकते हो। ये गेम का नाम है यंग बर्ड, जो बेसिकली फ्लैपी बर्ड जैसा गेम है, आप इस वॉच के ऊपर इजीली खेल सकते हैं। आजकल हमें ये गेम सारी फायरबोल्ट वॉचेस के ऊपर देखने मिल जाता है। यहाँ पे स्लीप ट्रैकिंग दिया गया, जो मुझे काफी हद तक एक्यूरेट लगा, मैं ऑलमोस्ट 6 घंटे के आसपास सोया था, और वैसा ही डेटा मुझे ऐप के ऊपर देखने के मिला। ऐप के लिए यहाँ पे आपको मिलता है डाफिट का ऐप, जो काफी डिटेल्ड ऐप है और काफी अच्छे से आपका डेटा बता देता है। तो भाई ये है डाफिट का ऐप, ऊपर आपको स्टेप्स का डेटा, यहाँ आपको पूरा स्लीप का डेटा। वीक वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ आपको पूरे वीक का स्लीप साइकिल दिख जाएगा आपका, उसके बाद फुल डे हार्ट रेट, हार्ट रेट ये सारी चीजें। यहाँ पे 24 आवर हार्ट रेट भी है, जो अच्छा काम कर लेता है। ब्लड ऑक्सीजन मैंने बताया नकली है, बहुत ज्यादा रिलाय मत करना इस पे, जो भी आप
वर्कआउट करोगे, आउटडोर रनिंग करोगे, वो आपके यहाँ दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बाकी सेटिंग मिलेगी वॉच फेसेस। वॉच के ऊपर आपको 5 वॉच फेसेस मिल जाएंगे। ऐप के अंदर बहुत सारे वॉच फेसेस अवेलेबल है। एंड यस, यहाँ पे आप एक कस्टम डायल भी सेट कर सकते हो अपनी वॉच के लिए, बस आपको एडिट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन सेटिंग, अलार्म, शटर, अदर्स में काफी सारी सेटिंग आपको मिल जाएगी, जैसे 24 आवर, हार्ट रेट एंड बाकी सारी सेटिंग्स भी आपको मिल जाती है। तो भाई डा फिट का ऐप भी काफी अच्छा है, डिटेल्ड है, मुझे अब तक मेरे फोन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई है। फायरबोल्ट ने यहाँ पे क्लेम किया 7 डेज ऑफ बैटरी लाइफ, बट वो एकदम स्टैंड बाय टाइम है। मेरा यूजेज वॉज अप्रोक्सीमेटली 25-30% अ डे, जिसमें 24 आवर हार्ट रेट यस ऑन था। सो अप्रोक्सीमेटली मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 3-3.5 डेज के आसपास की मुझे यहाँ पे बैटरी लाइफ देखने मिली है, विच इज डिसेंट इज बैटरी लाइफ, एंड 1600 की वॉच के हिसाब से मुझे ठीक लगा। मुझे ऐसे लगा 1500-1600 रुपए तक ही ये वॉच मिले तो लेना, क्योंकि इसके ऊपर आपको बेटर ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहाँ पे इससे बड़ी वॉचेस, बड़ा डिस्प्ले या बेटर बिल्ड क्वालिटीज मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पे डिजाइन में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, डिस्प्ले में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, सेंसर्स में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, जो मेरे हिसाब से काफी बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। इसीलिए मुझे ऐसा लगा ये वॉच थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, 1500-1600 तक ही ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है। और अगर आपको फिर भी ये वॉच बाय करनी है तो मुझे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें 1 लाख पहुंचने में हेल्प करो। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।